सध्या देशभरामध्ये दारू विक्री करावी की करू नये यावरती चर्चा सुरू आहे। कोरोनाच्या महामारीमध्ये आता नव्याच संघर्षाची भर पडलेली आहे, ती म्हणजे दारू विक्रीला मुभा कशी द्यायची। देशातील सर्वच राज्यांमध्ये दारू खरेदीसाठी झुंबड उडालेली पाहायला मिळते आहे। उत्तर प्रदेशातील दारू विक्री संबंधी हा रिपोर्ट पाहूयात। लॉकडाऊनच्या तिसऱ्या टप्प्यात उत्तर प्रदेश सरकारनं काही सूट दिली आहे, यामध्ये दारू विक्रीची मुभा हा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे। उत्तर प्रदेशात दारू विक्रीसाठी सकाळी 10 ते सायंकाळी 7 वाजेपर्यंत मुभा देण्यात आली आहे। दारूच्या दुकानांसमोर लोकांची रीक दिसून आली। नोएडा गाझियाबाद या उत्तर प्रदेशातील शहरात दारू खरेदीसाठी लांबच लांब रांगा दिसून आल्या। समाजवादी पार्टीचे वरिष्ठ नेते आणि अखिलेश यादव यांचे निकटवर्तीय राजेंद्र चौधरी यांनी उत्तर प्रदेश सरकारवर टीका केली आहे। एकीकडे राज्यात मजुरांच्या वाहतुकीचा प्रश्न उग्र असताना राज्य सरकारनं दारू विक्रीला सूट देणं चूक असल्याचं राजेंद्र चौधरी यांनी म्हटलंय। अब परेशानी जनता की है, लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी है जनता की आवाज उठाए, जनता की समस्याओं से सरकार को अवगत कराए। लोक तभा है, चाहे किसान हो, चाहे श्रमिक हो, चाहे महिलाएं हो, बच्चियां हो, व्यापारी हो, नौजवान हो, सब संकट में फंस गए। और ये कोरोना जो बीमारी है इससे लड़ने की सबकी जिम्मेदारी है। और जब जब भी लॉकडाउन का ऐलान हुआ, इतने दिन बढ़ाना है, विपक्ष ने पूरी ईमानदारी से निष्ठा से उसका पालन किया है। गांव में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी है? सरकार इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती है। विपक्ष की जिम्मेदारी है सरकार की उन कमियों को उजागर करना और एक रचनात्मक सकारात्मक सहयोग के लिए सुझाव देना। लेकिन भाजपा सरकार की परेशानी ये है कि उनको लोकतंत्र का अभ्यास नहीं है। आप जो है शराब की लाइन में भी लोगों को ठीक से नहीं खड़ा कर सकते। नोटबंदी में आपने पूरा देश लाइन में खड़ा कर दिया, अब शराब को लेकर के खड़ा कर दिया। तो भारतीय जो भारतीय समाज है उसकी नियति है ये कि वो लाइन में खड़ी रहेगी। अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट करने की जिम्मेदारी भाजपा सरकार की है, वो अपनी इस जिम्मेदारी से पलायन नहीं कर सकती है। खजाना कहाँ चला गया? इतना इतना बजट पास किया केंद्र ने, पास किया केंद्र ने, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और शराबबंदी को जारी रखने के बजाय इन्होंने खोल दिया। तो खैर वो, लेकिन उसके लिए कोई इंतजाम तो करना चाहिए था। कोई व्यवस्था नहीं है। आम लोगों को, गरीबों को, लाचार लोगों को जो बेबस हैं उनको सताया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा है, झूठे केसों में उनको फंसाया जा रहा है। सध्या कामगार मजूर वर्गाला दोन वेळेच्या रोजगाराची भ्रांत असताना मद्य विक्री करणं चूक असल्याचं समाजवादी पार्टीनं म्हटलंय। तर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यात कोणीही उपाशी नसल्याचा दावा केलाय। परप्रांतातून आलेले मजूर कामगार सुरक्षित आहेत, त्यांना सर्व सुविधा मिळत असल्याचं योगींनी म्हटलंय। प्रदेश के अंदर जितने भी श्रमिक आए हैं इनके आवागमन के लिए, चाहे उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में ले जाना हो, आश्रय स्थल या शेल्टर होम में ले जाना हो, या फिर उन्हें वहां से होम क्वारंटाइन में ले जाना हो, खाद्यान्न का पैकेट दे करके उन्हें वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था भी सरकार कर रही है। और 10,000 से अधिक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज उनकी सेवा में लगाई गई हैं। पिछले 3 दिन के दौरान 50,000 से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में आया है। इन सबको भी क्वारंटाइन सेंटर ले जाकर के इनके हर प्रकार की लॉजिंग फूडिंग की व्यवस्था करने और फिर वहां पे उनके आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत उन्हें होम क्वारंटाइन में भी शासकीय वाहन से ही वहां तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। जब गरीब के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ, युवाओं के साथ और बिना भेदभाव के हर एक तबके के साथ जब सरकार खड़ी है, तब भी कुछ राजनीतिक दल सेवा के कार्य से अलग हट करके केवल राजनीतिक रूप से हर एक मुद्दे में अनावश्यक वेजा राजनीति करने का जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, ये अत्यंत ही मुझे लगता है कि राजनीतिक गरिमा की प्रतिकूल अभद्र आचरण है।
कोरोनाच्या महामारीत राज्य आणि केंद्र सरकारचे प्राधान्य काय असावे हाच आता वादाचा मुद्दा आहे. दारू विक्रीला मुभा दिल्यानं अर्थकारण सुधारणार हा दावा कितपत वास्तविक आहे, कारण अत्यल्प उत्पन्न गटातल्या नागरिकांच्या रांगाच रांगा दारूसाठी दिसून येत आहेत. हा आरोग्यावर आघात नाही का? दारू विक्रीतून लाभ कोणाला, असाच प्रश्न यातून पुढे येत आहे. दुसरीकडे उत्तर प्रदेशमध्ये पावसाचा जोरदार फटका बसल्यानं आंब्याच्या बागांचं नुकसान झालं. फवारणीसाठी दर्जेदार कीटकनाशकच मिळत नसल्याची खंतही शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. मलिहाबाद मधील फळ उत्पादक त्यामुळे हैराण आहे. आंधियों में गिरता जा रहा है, बागों में आम दिख नहीं रहा है, उसकी वजह से बहुत भारी नुकसान है. लॉकडाउन का बहुत बड़ा असर पड़ेगा. लॉकडाउन अगर ना खुला, लेट भी अगर खुलेगा तब भी बहुत, देख लीजिए सब्जी उब्जी क्या हाल है, गलियों गलियों में घूम रहे हैं, कोई सब्जी बिक नहीं रही है. और इधर थोड़ा ये लॉकडाउन की वजह से बागों में दवाइयाँ कम पड़ पाई हैं, क्यों ट्रैक्टर ट्राली नहीं आने देते थे जो प्रशासन था, और उसके बाद में दवाइयाँ भी लोकल मिली हैं, इस वजह से ये सारा आम देख लीजिए, ये सब खौसहा आम हो गया, ये सब इतना आम पड़ा हुआ है, ये सब रूसी लगा हुआ आम है ये सब, और लोकल दवाइयों से इसीलिए ना कीड़ा मरता है, ना रूसी मरती है, ना भुनगा मरता है, तो हम लोगों इसीलिए हम लोग बागवान जितने किसान भाई हैं सब लोग परेशान हुए हैं. ही आहेत उत्तर प्रदेशची दोन रूपं. एकीकडे शेतकरी परेशान आहे तर दुसरीकडे दारूसाठी रांगा. देशभरात दारू विक्री करावी की करू नये यावर जोरदार चर्चा आहे, मात्र दुसरीकडे शेतकऱ्यांना आवश्यक ती कीटकनाशकही मिळेनात यावर मात्र सर्वच गप्पगार आहेत. कोरोनाच्या संकटातून अन्नधान्य पिकवणारा शेतकरी देशाला वाचवणार आहे की दारू विक्रीसाठी दबाव आणणारे व्यापारी, हाच आता खरा प्रश्न आहे. महसुली उत्पन्नाचं कारण देत सर्रास दारू विक्रीला मुभा देणं हे धोकादायक आहे, हेच आज आलेल्या दृश्यांवरून सिद्ध होत आहे. ब्युरो रिपोर्ट, AM न्यूज.